यह एक चीज करो, आप कभी अपसेट होंगे नहीं। इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई और अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। लोग छोटी छोटी बात के ऊपर अपसेट हो जाते हैं। अपसेट होना मतलब विचलित होना। कभी उनको गुस्सा आ जाएगा, कभी लोग दुखी हो जाएंगे, कभी उनका मूड चले जाएगा, कभी वो एपेथेटिक हो जाएंगे, मतलब कोई इमोशन ही नहीं, ऐसे हो जाएंगे। और विचलित होना या अपसेट होना, यह मतलब आम लोगों में दिखाई देता है। इसका एक कारण यदि मैं आपको बताता हूं, एक चीज यदि आप करते हैं तो आप अपसेट होने से बच जाएंगे, और वो ये है कि लोगों से अपेक्षा रखना। क्या होता है कि हम लोगों से अपेक्षा रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं। मेरे मदर ने मेरे लिए ये करना चाहिए, मेरे पत्नी ने मेरे लिए ये करना चाहिए, मेरे सासू माँ ने मेरे लिए इतना तो करना चाहिए, मेरे बहू ने मेरे लिए इतना करना चाहिए, मेरे देवर ने करना चाहिए, मेरा दोस्त है उसने इतना तो करना चाहिए। ऐसी काफी सारी अपेक्षा है कि लोगों ने क्या करना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। और वो हमको वो दृष्टि से हम देखते हैं कि लोगों ने ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और एक बात पक्की है कि आपको जैसा लगता है वैसा लोग करने वाले हैं नहीं। वो जो करेंगे वो करेंगे, वो आपके हाथ में नहीं है। वो आपको खाना खाने बुला नहीं सकते, खाना खाने बुला सकते हैं जो भी उनको लगता है वो। आप उनके लिस्ट में होंगे, खाना खाने के जो लिस्ट है बुलाने के मेहमानों की, वो लिस्ट में आप होंगे, कभी आप नहीं होंगे। नहीं, मगर मैंने उसको बुलाया था, उसने मेरे को बुलाना चाहिए, ऐसा यदि रहता है हमारे इसमें एक्सपेक्टेशन, तो फिर अपसेट होना स्वाभाविक है, क्योंकि लोग आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी करेंगे नहीं। ऐसा बोला जाता है कि अपसेट होने का मदर जो है, मतलब माँ, अपसेट की माँ वो है एक्सपेक्टेशन। लाइक एक्सपेक्टेशन इज द मदर ऑफ बिकमिंग अपसेट। तो आप अपेक्षा मत रखो। फिर लोग बोलते हैं अपेक्षा करना ही नहीं, क्या बिल्कुल ही करना नहीं, करना इतना तो मैं लोगों के लिए किया, फिर इतनी तो अपेक्षा मैंने करना ही चाहिए। मैं बोला कि अपेक्षा करना ही नहीं चाहिए। और अपेक्षा क्यों करना है आपने? आपको जो करना है लोगों के लिए वो करो, वहां अपेक्षा क्यों रखते हो कि नहीं मैंने इतना किया तो उसने भी उतना करना चाहिए? क्या होता है फिर, अपेक्षा भंग हो जाता है। देखिए, मेरा एक दोस्त अकोला में आया, मैंने मेरा टाइम निकाला, वो नागपुर से आया था, मैंने मेरा टाइम निकाला, समय निकाला, मेरे पेशेंट के बीच में उस समय निकाल के उसको बोला कि हाँ तू भी अकोला में कुछ काम के लिए आया तो मेरे यहाँ पक्का आ जाना। और उसको मैंने मेरे यहाँ खाना खाने बुलाया, हमने रात को खाना खाया, रात को उसको मैंने ट्रेन पे छोड़ दिया रात को 1 बजे। अभी ये मुझे अच्छा लगता है, मुझे आनंद लगता है, तो मैंने करना चाहिए। मैंने ये अपेक्षा रखी कि अभी मैं नागपुर जब जाऊंगा तब उसने भी ऐसा करना चाहिए, ऐसी अपेक्षा रखी तो पूरे चांसेस है कि मैं अपसेट हो जाऊंगा। और हुआ वैसे ही। जब मैं कुछ दिन बाद में नागपुर गया, वो बिजी था, वो इतना बिजी था, ऑलरेडी उसके अपॉइंटमेंट्स थे और वो इतने उसके लिए इंपॉर्टेंट थे कि उसने मतलब मुझे टाइम दिया नहीं। मैं तो ऐसे ही गया था बिना पूछे, और मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई कि अभी मैं नागपुर में गया तो उसने भी मुझे खाना खिलाना चाहिए, उसने भी मुझे स्टेशन पे लेने के लिए आना चाहिए, उसने भी मुझे स्टेशन पे छोड़ना चाहिए। तो हुआ क्या, जब मैंने उसके लिए कुछ काम किया तो मैंने रखी अपेक्षा, और फिर वो अपेक्षा लेके मैं दिमाग में रह गया और उसने वैसा करना चाहिए, और मैं नाराज हो गया, अपसेट हो गया कि देखो लोग कितने मतलब ऐसे यह है कि भाई कृतघ्न जैसे है कि लोग कृतज्ञता बिल्कुल ही नहीं है, लोगों को एक्नॉलेजमेंट नहीं है। मैंने उसके लिए इतना किया और फिर मैं डिस्टर्ब हो गया। मैंने उसके लिए इतना किया, मैंने उसके कठिन समय में काम किया, मैंने उसको पैसे दिए थे, मैंने उसकी मदद किया था, और उसने फिर मुझे करना चाहिए, ऐसा कुछ मेरी अपेक्षा हो नहीं सकती। एक हमारे दोस्त है, उनके हॉस्पिटल के उद्घाटन में मैं गया था, हॉस्पिटल का उद्घाटन था, काफी लोग वगैरह आए थे खाना खाने, उन्होंने काफी लोगों को बुलाया था। और हुआ क्या, हुआ ये कि वहाँ जो आजू बाजू के लोग थे उनको वह सहन नहीं हुआ कि भाई ये हॉस्पिटल यहाँ आया हुआ है तो अभी उनको तकलीफ हो जाएगी, हॉस्पिटल की वजह से उनकी गंदगी वो एरिया की ये हो जाएंगी, खराब हो जाएगी, मतलब हॉस्पिटल गंदा करेगा उनका एरिया। तो वहाँ के कुछ लड़के लोग थे, उन्होंने क्या किया, हॉस्पिटल के ऊपर पत्थर फेंक दी पीछे से, और जरा मतलब एटमोसफियर डिस्टर्ब कर दिया। अभी मैंने वहां ये किया कि भाई नहीं नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी इतना अच्छा समारंभ चल रहा है, इतना अच्छा ये हो रहा है, तो अभी मैंने क्या करना चाहिए। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई, वो लड़कों को पकड़ के लेके गई,
अभी मैंने एक्सपेक्टेशन रखा कि भाई ये जो है जिनके लिए मैंने इतना किया, अभी उन्होंने तो मेरे लिए कुछ करना चाहिए ना। यदि ऐसा मैं दिमाग में रखूंगा तो मेरे अपसेट होने के चांसेस पूरे हैं। मुझे जो करना था वो मैंने किया, पुलिस बुलाई, वो जो लड़के पत्थर फेंकने वाले थे उनको पुलिस के हवाले कर दिया, उनको पुलिस लेके गई। मैं खाना खाने गया था, मैं तो ऐसे ही एज ए गेस्ट करके गया था वहां, बाकी सब लोग थे। तो मैं यदि एक्सपेक्टेशन रखूं तो वहां कुछ होने वाला है नहीं। मैंने जो काम करना था वो किया। वो डॉक्टर ने जिनको मैंने ऐसा मतलब जिनके लिए मैंने ऐसा किया, उन्होंने मेरे को थैंक यू भी नहीं बोला कि थैंक यू आपकी वजह से यह समारंभ बराबर हुआ और वो पत्थर जो लड़के लोग मार रहे थे उसमें चलो अच्छा रह गया कि वो चले मतलब उनको पुलिस ने उठा लिया और हमारा जो फंक्शन होता वो अच्छा हो गया। उन्होंने थैंक यू भी नहीं बोला। मुझे थोड़ी देर के लिए ठीक नहीं लगा कि भाई कम से कम थैंक यू तो बोलना था, थैंक यू भी नहीं बोला। मगर मुझे तुरंत ये याद आ गया जब मैं अपसेट हो गया कि नहीं, मैं लोगों को पढ़ाता हूँ कि भाई कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, आपको कर्म करो फल की चिंता मत करो, अपेक्षा मत रखो। मैं खुद ही भी अपेक्षा रख रहा हूँ यहाँ। मुझे तो किसने ऐसा बोला नहीं था कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करो, मुझे तो ऐसा किसने बोला नहीं था कि नहीं नहीं ये लड़कों को अरेस्ट करके पुलिस लेके जाएंगे। ऐसा मैं तो उत्स्फूर्त किया ना, मेरा सेल्फ एक्सप्रेशन था, मुझे ऐसा लगा कि मैंने करना चाहिए तो मैंने करना चाहिए, खलास काम। तो ये यदि आप करते हैं तो आप कभी दुखी नहीं होंगे, आप कभी विचलित नहीं होंगे। जब आप काम कर रहे हो वो काम आपका सेल्फ एक्सप्रेशन है पूरा पक्का, कि जो आपको करना है आत्मा अभिव्यक्ति है, आपको अच्छा लगता है करके आप कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मुझे उसका वापस मिलेगा तो फिर आप डेफिनेटली अपसेट होने वाले हैं। तो यदि आप करेंगे एक चीज कि जब आप काम करते हो पूरे सेल्फ एक्सप्रेशन से करो, बिना कुछ अपेक्षा रखते हुए करो, आप जिंदगी में खुश रहोगे, अपसेट तो आपके आसपास भी आएगा नहीं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी लोगों को शेयर करो, क्योंकि सभी लोग अपसेट होने के लिए तैयार है। कुछ भी हो जाता है और वो अपसेट हो जाते हैं तो उनके अपसेट से मुक्तता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। शेयर एंड लाइक। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।